डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको मॉडल्स करवा रहा हूँ एक्सेलरी वर्ब, ठीक है। वर्ब का ये पार्ट है तो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं आपको मे करवा चुका हूँ, माइट करवा चुका हूँ। तो आज हमारा जो मॉडल है वो है कैन, ठीक है। मॉडल्स का जो पार्ट है जैसे है कैन, इसको हमने कैसे यूज़ करना है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। उदाहरण भी दिए, वर्ड्स पे भी मैंने इसको टाइप किया है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कैन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, देखिए। सबसे पहले कैन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट, जैसे है कोई पावर है, कोई एबिलिटी है, जैसे योग्यता है कोई, हमारी शक्ति है हमारी कोई, ठीक है। हमारी एबिलिटी के बारे में मुझे याद रखना है, वहाँ पर हम कैन को यूज़ कर सकते हैं विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल में सेंटेंस लिखना है तो जैसे यू कैन सॉल्व दिस सम, तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो, मीन यू आर एबल टू डू दिस सम। तो यू आर एबल टू डू दिस सम, एबल टू सॉल्व दिस सम, तो ये आपकी एबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे ही कैन आउट डू एवरी कंपिटिटर, वो किसी को भी हरा सकता है, उसकी पावर है, वो मीन्स किसी भी प्रतियोगी को हरा सकता है। ये पावर आ गया, एबिलिटी कोई भी आपकी हो, ये सेंटेंस थोड़ी है, ठीक है ना। यू कैन डू इट मीन्स कोई भी आप काम कर सकते हो जो आपकी योग्यता है। यू कैन सिंग वेरी वेल, ये भी आपकी योग्यता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। वहाँ पे आप कैन लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और पावर है, पावर के लिए भी कोई कैन लगा के आप बोल सकते हो। ही कैन आउट डू एवरी कंपिटिटर, ठीक है, किसी को भी प्रतियोगी को हरा सकता है। परमिशन लेनी है जैसे कोई है, या किसी को परमिशन देनी है। यू कैन गो नाउ, जैसे यू आर परमिटेड टू गो नाउ, आपको अनुमति कि आप जा सकते हो, अभी जाओ आप, ठीक है ना। जैसे यू कैन टेक पार्ट इन रेस, आप अलाउड हो, यू आर अलाउड टू टेक पार्ट इन, यू आर परमिटेड टू टेक पार्ट इन रेस, आप भी वहाँ पे भाग ले सकते हो, ठीक है। यू आर परमिटेड टू टेक पार्ट इन रेस, तो ये परमिशन ही होगी आपकी, ठीक है। कैन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट एबिलिटी रिजल्टिंग, हालात से, सर्कमस्टांसिस से जो पैदा हुई रिजल्ट है उस पर यूज कर सकते हो। जैसे कैन यू कम मीन्स कैन यू, क्या आप आ सकते हो, मीन्स आर यू इन ए पोजिशन टू कम, क्या आप आने के हालात में हो। कैन यू मेक इट मीन्स कोई चीज़ ख़राब हुई है, क्या आप उसको रिपेयर कर सकते हो, या आप उसको कोई रिलेशन या कोई बात ये बना सकते हो, तो कैन यू मेक इट, जिस सर्कमस्टांसिस से पैदा हुई बात है, वहाँ भी आप इसको इंटरोगेटिव भी यूज़ कर सकते हो बना के इसको आप, ठीक है। तो कैन को सिंपल में हमने देखा कहाँ का यूज़ किया, कैन को पावर हो, कोई एबिलिटी हो, वहाँ भी यूज़ करते हैं हम इसको। कैन को परमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, परमिशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई सर्कमस्टांसिस बन गया, ठीक है, जहाँ रिजल्ट निकला है किसी बात का, ठीक है ना। कैन इज आल्सो यूज टू नॉट एबिलिटी रिजल्टिंग, ठीक है, जो पैदा हुई हो किसी नतीजे कारण, हालात के कारण पैदा हुई, जैसे कैन यू कम, कैन यू मेक इट, ठीक है, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें सिंपल में अगर सेंटेंस लिखना है, सिंपल में पैसिव में नहीं है वो, ठीक है, तो वो सिंपल में आप इसको फर्स्ट फॉर्म लगा के कैन के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, मीन सकता है। तो कहाँ कहाँ यूज करना है, पावर और एबिलिटी में। एबिलिटी में यू कैन सॉल्व दिस सम, यू कैन डू इट, ठीक है ना। यू कैन राइट वेरी वेल, तुम बड़े अच्छा लिख सकते हो, पावर। यू कैन आउट डू एवरी कंपिटिटर, ठीक है, कोई भी बात पावर एबिलिटी में आप लिख सकते हो। परमिशन है, यू कैन गो नाउ, यू कैन टेक पार्ट इन रेस, ठीक है ना। कोई भी आप परमिशन देनी है वहाँ भी लिख सकते हो। कैन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सर्कमस्टांसिस, वहाँ भी आप इसको कर सकते हो। कैन यू कम, कैन यू मेक इट, मीन्स आर यू इन ए पोजिशन टू कम, हालात में, क्या आप आने के हालात में हो, हालात को क्रिएट करें, वहाँ भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल और ईजिली मैथड्स है जहाँ पे आपने कैन को यूज़ करना है। कोई बुक नहीं देखनी, कोई लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जे सिंपल में जे बातें याद रखो, आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली बिल्कुल सही रहेगी, लंबे चक्करों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे होप है कि आपको जे बिल्कुल आसान ढंग से समझ आ गया होगा। इसके लिए आप लाइक वगैरह दे सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।